नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र ही नहीं पूरे इंडिया का एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। दोस्तों ऑनलाइन सोर्सेस के माध्यम से हम देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, जो हमें पता चला है कि दिसंबर 2024 में ये एयरपोर्ट का जो पहला फेज है या जो पहला टप्पा है उसका ट्रायल्स चालू हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम तिवारी वापस स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो दोस्तों नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कि अगर फर्स्ट फेज का ट्रायल यही दिसंबर 2024 से अगर चालू हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि एयरपोर्ट के आसपास की जो लोकेशन है वो किस तरह से डेवलप होगी और वहां के रियल स्टेट मार्केट की प्राइजेस कितने ऊपर जाएंगी। तो दोस्तों आप हमें में से बहुत लोग हैं जो कि चाहते हैं अपने सपनों का घर एक ऐसे लोकेशन पे लेना जहां पे आपके निवेश किए हुए पैसे की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो, आप एक अच्छे लोकेशन में रहे, आप एक लीगल लोकेशन में रहे। तो यही क्वेश्चन, यही आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देने और एक सजेशन देने आया हूँ। दोस्तों मैं अभी फिलहाल बैठा हूँ सेक्टर 1 पुष्पक नगर में। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ये पूरा ही सेक्टर सिटको के द्वारा पूरा डेवलप हो रहा है। यहाँ की जो रोड है, पानी है, यहाँ की जो लाइट्स आएंगी, स्ट्रीट लाइट्स आएंगी, ड्रेनेज सिस्टम अपने गटर वगैरह हो गए, ये सारा ही सिटको के द्वारा डेवलप होगा। जैसे कि नवी मुंबई में अनदर सिटीज़ वगैरह है, जैसे आप बेलापुर देखा है आपने, खारगर देखा है, वो जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ उसी प्रकार से ये सेक्टर डेवलप हो रहा है। अभी ये पूरे सेक्टर में करीब 300 से 350 प्लॉट्स है, यानी 300 से 350 बिल्डिंग्स के काम वगैरह चल रहे हैं, जिसमें से साधारण मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 200-250 बिल्डिंग्स ऑलरेडी रेडी है और लोग शिफ्ट होना भी शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे जो डेली बेसिक की नेसेसिटी है, जैसे राशन वगैरह की दुकानें हो गई, मेडिकल हो गई, छोटे मोटे क्लिनिक्स हो गए, ये सारे ही बेसिक चीज़ें अभी भी अवेलेबल है। यहाँ से अगर मैं कनेक्टिविटी की आपको बात करूँ तो दोस्तों करण जड़े से जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ से पनवेल और खांडेश्वर रेलवे स्टेशन, ये दोनों ही सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो कि मात्र 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। और हाँ दोस्तों, यहाँ से 20 रुपये शेयरिंग ऑटो में आप डायरेक्ट पनवेल भी जा सकते हैं आज भी, तो सोचिए आने वाले कल में तो इसकी बात ही अलग होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास इसी सेक्टर में करीब 5 से 6 प्रोजेक्ट हमारे ऑनगोइंग चल रहे हैं, जिसमें अगर आप रेडी प्रोजेक्ट देखना चाहे तो वो भी आपको मिल जाएगा और अंडर कंस्ट्रक्शन के भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं एक बेसिक प्राइस रेंज की बात करूँ तो 1 BHK यहाँ पे एक अप्रॉक्स आप समझ लीजिए 32 लाख से लेके 40 लाख तक के रेंज में जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या साइज के आप घर ले रहे हैं। 1 RK की अगर मैं प्राइस वैल्यू की बात करूँ तो एक अप्रॉक्स 24-25 लाख ऑल इंक्लूसिव यानी पूरे पैकेज में चले जाएगा। और 2 BHK के भी ऑप्शंस हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में आने वाले हैं जो कि अराउंड 60 लाख के आसपास चले जाता है। तो ये अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अभी यहाँ से करेक्ट 6 महीने हमारे पास है, ज़्यादा सोचना विचारना अब बंद करें और इसी समय ये लोकेशन पे एक बार विजिट करिए। फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में अगर आप देखें तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन ऑल नवी मुंबई। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए मैंने खांडेश्वर रेलवे स्टेशन से फ्री पिकअप ड्रॉप रखा है। नीचे आए हुए नंबर पर आप कॉल करिए और बोलिए कि शिवम भाई मुझे आपका लोकेशन देखना है, मुझे प्रोजेक्ट चेक करना है, तो हम कैसे आ सकते हैं। तो खांडेश्वर स्टेशन पर आपको हम हमारी गाड़ी भेज देंगे, आपको पूरे लोकेशन गाइड करते हुए आपको ये पूरे सेक्टर के बारे में बताया जाएगा, प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा। तो इसी के साथ समय रहते निवेश करें, अच्छी जगह निवेश करें। मैं शिवम तिवारी फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो में। जय हिंद।